तो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हमारी यूनिट नंबर 3 जो कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो हमारी लास्ट टॉपिक बच रहे हैं एस्टेल वैल्यू एंड रिचर्ड मिसल वैल्यू, ये दोनों आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 3 भी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे हमारी पूरी यूनिट 3 यानी कि 1, 2, 3 कवर हो चुकी है। तो अगर आपने 1 और 2 यूनिट नहीं देखे तो उसको भी एक बार देख लेना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक एस्टेल वैल्यू के बारे में। सो एस्टेल वैल्यू क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम जी इन के ओ एच रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिटिक एसिड प्रोड्यूस बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ एस्टाइलेटेड फैट एंड ऑयल। यानी कि जो भी फैट एंड ऑयल में हमारा एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड हो रहा है हाइड्रोलाइसिस के दौरान, उसको हाइड्रोलाइज करने में, मतलब जो हमारा एसिटिक एसिड है फैट एंड ऑयल में, उसको हाइड्रोलाइज करने में कितने एम जी ऑफ के ओ एच रिक्वायर्ड है, उसी को हम बोलेंगे एस्टेल वैल्यू। अब थोड़ा समझिए हाउ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस, यानी कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। तो जो हमारा 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल है उसके रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ। तो यहाँ पर होता है हमारा एसिटाइलेशन रिएक्शन, यहाँ पर एसिटाइलेटेड फैट एंड ऑयल मिलता है हमको। अब इसकी हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वहाँ पर मिलेगा हमको एसिटिक एसिड। अब ये इसी एसिटिक एसिड को हाइड्रोलाइज करने के दौरान इसको एसिटाइलेटेड करने में कितने के ओ एच रिक्वायर्ड है, उसी को हम बोलेंगे एसिटाइल वैल्यू। ठीक है, सो एसिटिक एसिड प्लस के ओ एच, इसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं पोटेशियम एसिटेट प्लस H2, ये रिएक्शन है इसकी। नेचुरल और रैंसिड फैट डेट कंटेंस फैटी एसिड विद फ्री ओ एच ग्रुप्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइलेटेड फैट बाय रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्रेट। अब ये थ्योरी फॉर्म में वही लिख रही है, ठीक है ना, पढ़ लेना एक बार। अब इसके प्रिंसिपल में आप फॉर्मूला याद कर लेना, एस्टेल वैल्यू इक्वल टू 1335 B - A / 1335 - A। अब B क्या है? हमारा सेपनिफिकेशन ऑफ एस्टाइलेटेड फैट एंड ऑयल। अब A क्या है? सेपनिफिकेशन ऑफ नॉर्मल फैट एंड ऑयल। ठीक है गाइस, एस्टेल वैल्यू और रिचर्ड मिसल वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो हमारे प्रीवियस वीडियोज में हमने वैल्यूज कवर कराई हैं चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका प्रोसीजर देख लीजिए, बॉइल द 10 ग्राम ऑफ सैंपल विद 20 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर 2 आवर्स। जो हमारा सैंपल है उसकी 10 ग्राम ले लेंगे एंड 20 ml एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेंगे, दोनों को मिक्स करके 2 आवर तक बॉइल करेंगे। ठीक है, एड 600 ml वाटर एंड बॉइल फॉर 30 मिनट। अब फिर फर्दर उसको 600 ml उसमें पानी मिलाकर उसको 30 मिनट तक फर्दर बॉइल करेंगे। सेपरेट एंड वॉश द एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट, अब उसको सेपरेट करके वॉश कर देंगे। एट लास्ट डिटरमाइन द सेपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ एसिटाइलेटेड सब्सटेंस फैट बी, यानी कि अब उसकी जो हमारा एसिटाइलेटेड सब्सटेंस आया है उसकी हम सेपोनिफिकेशन वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। कैसे करेंगे वो हमने पीछे पढ़ लिया है। ऑल्सो सेम डिटरमाइन द सेपोनिफिकेशन ऑफ नॉर्मल फैट, अब नॉर्मल फैट जो है उसकी भी हम सेपोनिफिकेशन वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी मदद से, फॉर्मूले की मदद से, जो बी माइनस है इसकी मदद से हम वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे। इसका सिग्निफिकेंस देख लीजिए, इट मीजर नंबर ऑफ फ्री ओ एच ग्रुप प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल, यानी कि कितने हमारे फ्री ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है फैट एंड ऑयल में उसको मीजर करता है। इफ एस्टाइल वैल्यू इंक्रीज सो अमाउंट ऑफ फैटी एसिड ऑल्सो इंक्रीज, अब एस्टाइल वैल्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे फैटी एसिड की वैल्यू बढ़ेगी। गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक आता है यूनिट नंबर 3 का, जो कि रिचर्ड मिसल वैल्यू। गाइस, 2 नंबर में बहुत ज़्यादा आता है ये रिचर्ड मिसल वैल्यू, तो समझिए इसको। द RM वैल्यू इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ 0.1 नॉर्मल के ओ एच रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज वेपर ऑफ वॉलेटाइल फैटी एसिड अपीयर्स ऑन हीटिंग 5 ग्राम फैट। यानी कि जो भी हमारे वॉलेटाइल फैटी एसिड होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में 0.1 नॉर्मल के ओ एच कितनी वॉल्यूम, यानी कि कितने मिलीग्राम रिक्वायर्ड है, उसी को हम बोलेंगे RM वैल्यू, यानी कि रिचर्ड मिसल वैल्यू। RM वैल्यू इज यूज टू डिटरमाइन वॉलेटाइल नेचर ऑफ फैट एंड ऑयल, यानी कि प्योरिटी ऑफ बटर। अब जो RM वैल्यू है वो हमारे वॉलेटाइल नेचर को इंडिकेट, यानी कि वॉलेटाइल नेचर को डिटरमाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है फैट एंड ऑयल के। अब इसका प्रिंसिपल देखिए, फैट इज सेपोनिफाइड विद एल्कली एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिटिफाइड विद H2SO4 देन स्टीम डिस्टिल। यानी कि फैट जो हमारा, उसको हम सेपोनिफाइड करेंगे एल्कली के साथ यानी कि बेस के साथ, जो फिर हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा उसको हम एसिटिफाइड करेंगे, मतलब उसकी एसिड रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ। फिर उसको स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा स्टीम करेंगे। द डिस्टिलेट विच कंटेन द वॉलेटाइल एसिड इज देन टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल के ओ एच सॉल्यूशन। अब जो हमारा डिस्टिलेट प्रोडक्ट आया है वो हमारा वॉलेटाइल एसिड आएगा, उसको हम टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल के ओ एच के साथ। प्रोसीजर देख लीजिए, 10 ग्राम सैंपल लेंगे, इसमें हम 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन मिला देंगे, सेपोनिफाई करेंगे तो सॉल्यूशन जो हमारा आएगा
सॉल्यूशन बन के जो आएगा उसको हम एसिडिफाइड कराएंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ, एंड उसको फिर स्टीम डिस्टिलेशन में भेज देंगे। फिर डिस्टिलेट जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें हमारा वॉलीटाइल एसिड प्रेजेंट रहेगा। अब उसको हम टाइटर करेंगे 0.1 नॉर्मल NaOH के साथ, फिनोक्थिलीन वहाँ पर हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होने वाला है इसका, A-B(n×11)। तो A क्या है हमारा, वॉल्यूम और इन ML ऑफ स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन फॉर टेस्ट, यानी कि टेस्ट सैंपल में जो हमारा NaOH की वैल्यू यूज़ की गई है A वो है, B जो ब्लैंक टाइट्रेशन में NaOH की वैल्यू NaOH यूज़ करा गया है उसकी वैल्यू है, N नॉर्मलिटी, ठीक है ना। तो अब इसके देखते हैं फाइनली सिग्निफिकेंस। यूजफुल फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ बटर एंड घी विच कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ग्लिसराइड ऑफ ब्यूटायरिक एसिड एंड अदर वॉलेटाइल फैटी एसिड। अब जो हमारे घी और बटर रहते हैं वो उनमें काफ़ी वॉलेटाइल फैटी एसिड रहता है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए ये RM वैल्यू यूज़ की जाती है। लो RM वैल्यू मीन्स आर लो क्वालिटी बटर और देसी घी, यानी कि जो अगर RM वैल्यू जो घी है बटर है वो लो आती है RM वैल्यू, तो वहाँ पर हमको पता चल जाएगा जो हमारा घी है बटर है वो एडल्ट्रेटेड है, यानी कि मिलावटी है, ठीक है। तो गाइस ये हमारी आज यूनिट नंबर 3 भी फिनिश होती हुई। अब आप कमेंट करके बताना इसकी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करनी है या अदर सब्जेक्ट की कोई और यूनिट स्टार्ट करनी है, ठीक है। आई वेट फॉर योर कमेंट एंड नोट्स हमारे ग्रुप में है, सबको पता ही है ये बात। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जल्दी।